हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज पिंडवाड़ा के यूट्यूब चैनल पर मैं बी एल मीना असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आर्म्स एंड द मैन बीए पार्ट सेकंड ईयर के सिलेबस में ये नाटक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखित है और इसका एक्ट टू हम पढ़ रहे थे। पेज 9 तक हमने अध्ययन कर लिया था। तो पेज 9 तक हमने देखा था कि मेजर सर्जियस, पॉल पेटकॉफ और कैथरीन और रैना वो सभी एक गार्डन में, उनके घर के गार्डन में हैं। वो चाय नाश्ता कर रहे हैं। दो नौकर वहाँ उपस्थित हैं, लौका और निकोला। तो इनके बीच में डिस्कशन चल रही है और जो पॉल पेटकॉफ, मेजर पॉल पेटकॉफ हैं, वो एक तीन छावनियां हैं, थ्री रेजिमेंट्स हैं, उनको कहीं भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो वो सर्जियस को कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं और लाइब्रेरी में बैठ के उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे उन छावनियों को वापस भेजना है, रेजिमेंट्स को वापस यथास्थान भेजना है। तो इस बीच में ही है, वो कैथरीन है, वो उसको रोकती है। पॉल पेटकॉफ जो उनके हस्बैंड है कैथरीन के, रैना पेटकॉफ के पिता हैं, उनको रोकती है। तो कैथरीन है, वो कहती है पॉल पेटकॉफ से, ओ पॉल, कॉन्ट यू स्पेयर सर्जियस फॉर ए फ्यू मोमेंट्स? रैना हैज हार्डली सीन हिम यट। Perhaps I can help you to settle about the regiments. ये कहती है कि पॉल, आप सर्जियस और रैना को थोड़ा टाइम दीजिए, इन दोनों ने अभी साथ में कम समय बिताया है, दोनों एंगेज्ड हैं। तो वह कहती है कि इनको थोड़ा प्राइवेसी मिलनी चाहिए और मैं आपकी सेटलमेंट, रेजिमेंट्स के सेटलमेंट में मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। सर्जियस प्रोटेस्टिंग, सर्जियस है वो प्रोटेस्ट करते हुए कहते हैं, माई डियर मैम, इम्पॉसिबल यू, कि मैम ये आपके लिए इम्पॉसिबल है। कैथरीन स्टॉपिंग हिम प्लेफुली, उसको रोकती है प्लेफुली तरीके से, यू स्टे हेयर माई डियर सर्जियस, देर इज़ नो हरी। सर्जियस यहाँ पर रुको, माई डियर सर्जियस यहाँ पर रुको, कोई हरी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है। आई हैव ए वर्ड और टू टू से टू पॉल, एक दो शब्द, एक दो बात करनी है मुझे पॉल से। सर्जियस इंस्टेंटली बोज एंड स्टेप्स बैक, सर्जियस है वो श्रद्धा पूर्वक झुकता है और पीछे आ जाता है। नाउ डियर, ओके, टेकिंग पेटकॉफ्स आर्म, पेटकॉफ की आर्म को वो पकड़ के उसकी भुजा को ले जाती है। कम एंड सी द इलेक्ट्रिक बेल, इधर आइए और इलेक्ट्रिक बेल है उसको देखिए। पेटकॉफ, ओ वेरी वेल, ओ अच्छा। दे गो इन टू द हाउस टुगेदर अफेक्शनेटली, सर्जियस लेफ्ट अलोन विद रूना, विद रैना, looks anxiously at her, fearing that she is still offended. She smiles and stretches out her arms to him. वो दोनों हैं, कैथरीन और पॉल पेटकॉफ हैं, वो घर के अंदर चले जाते हैं। अब लूका और सर्जियस, वो सर्जियस और रैना हैं, वो अकेले रह जाते हैं। सर्जियस है वो anxiously रैना की तरफ देखता है, fearing that she is still offended, और वो ये उसको डर है कि वो अभी तक चिड़ी हुई है। बल्कि रहना है वो मुस्कुराती है और अपनी बाहें फैलाती है उसका स्वागत करने के लिए। सर्जियस हैजनिंग टू हर, एम आई फॉरगिवन, बड़ी हिचकिचाहट में रहता है सर्जियस और पूछता है क्या मुझे माफ़ कर दिया गया है। रहना प्लेसिंग हर हैंड्स ऑन हिज सोल्जर एज सी लुक्स अप एट हिम विद द एडमिरेशन एंड वर्शिप। रहना है वो अपने हाथ है वो सर्जियस के सोल्जर पे रखती है और श्रद्धा और आदरपूर्वक कहती है, माई हीरो माई किंग, मेरा हीरो मेरा किंग। सर्जियस कहता है, माई क्वीन, ही किसेज हर ऑन द फोरहेड, उसको किस करता है फोरहेड पे, ललाट पे। रैना, हाउ आई हैव एनवीड यू सर्जियस, सर्जियस मैंने तुमसे कितनी ईर्ष्या की है। यू हैव बीन आउट इन द वर्ल्ड ऑन द फील्ड ऑफ बैटल, आप बैटल फील्ड में थे। Able to prove yourself they're worthy of any woman in the world, अपने आप को प्रूव करने के लिए कि आप किसी भी संसार में किसी भी औरत के योग्य हैं। Whilst I have had to sit at home inactive dreaming useless, जबकि मैं घर पर बैठी थी, inactive थी, सपने देखती थी, useless थी, कोई काम नहीं था मेरे पास, doing nothing that could give me the right to call myself worthy of any man, मेरे पास ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए नहीं था कि जिसके लिए मैं संसार के किसी भी पुरुष के लिए योग्य हो पाऊँ। सर्जियस, डियरेस्ट, ऑल माई डीड्स हैव बीन योवर्स, सर्जियस कहते हैं कि मेरे जो सारे कृत्य हैं वो आपके ही तो हैं। यू इंस्पायर्ड मी, आपने मुझे इंस्पायर किया है। आई हैव गॉन
थ्रो द वार लाइक ए नाइट इन ए टूर्नामेंट विद हिज लेडी लुकिंग डाउन एट हिम। मैं वॉर में एक ऐसे नाइट के रूप में गया जिसकी लेडी है वो उसकी तरफ हर समय देख रही होती है। रहना, एंड यू हैव नेवर बीन एबसेंट फ्रॉम माई थाट्स फॉर ए मोमेंट। और एक क्षण के लिए भी आप मेरे थाट्स से एबसेंट नहीं थे। वेरी सोलमली, बड़े श्रद्धापूर्वक, सीरियसली वो कहती है, सर्जियस आई थिंक वी टू हैव फाउंड द हायर लव। सर्जियस, हम दोनों ने हायर लव को अचीव कर लिया है। वैन आई थिंक ऑफ यू, जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, आई फील दैट आई कुड नेवर डू ए बेस्ट डीड और थिंक एन इग्नोबल थाट, कि मैंने कभी कोई बेस्ट डीड, कोई अच्छा कृत्य भी नहीं किया, अच्छा काम भी नहीं किया, और थिंक एन इग्नोबल थाट, और कोई बुरा विचार भी मेरे मन में नहीं आया। सर्जियस, माई लेडी एंड माई सेंट, माई लेडी और माई सेंट कहते हुए उसको संबोधित करते हैं। ही क्लैप्सेस हर रेवरेंटली, श्रद्धापूर्वक वह उसको एम्ब्रेस करता है। रहना, रिटर्निंग इज एम्ब्रेस माई लॉर्ड एंड माई किंग, ऐसा कुछ कहना चाह रही है ये। सर्जियस कहते हैं, उसको चुप कराते हैं, लेट मी बी द वर्सीपर डियर, मुझे वर्सीपर बनना दो आपका। वर्सीपर मतलब पूजक, जो पूजा करने वाला होता है। यू लिटिल नो हाउ अनवर्दी इवन द बेस्ट मैन इज ऑफ ए गर्ल्स प्योर पैसन। एक गर्ल्स की प्योर पैसन के लिए संसार का श्रेष्ठ व्यक्ति भी वो अनवर्दी ही होता है, अयोग्य ही होता है। रैना, आई ट्रस्ट यू, रैना कहती है कि मैं ट्रस्ट करती हूँ। आई लव यू, मैं लव करती हूँ। यू विल नेवर डिसअपॉइंट मी सर्जियस, सर्जियस तुम मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं करोगे, कभी निराश नहीं करोगे। लोका इज हर्ड सिंगिंग विद इन द हाउस, लोका है वो घर के अंदर गाती हुई सुनाई प्रतीत होती है। दे क्विकली रिलीज ईच अदर, वो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। आई कैंट प्रटेंड टू टॉक इनडिफरेंटली बिफोर हर, रहना कहती है कि मैं उसके सामने उदासी पूर्वक बात करना तुमसे पसंद नहीं करूँगी। माई हार्ट इज़ टू फुल, मेरा हार्ट है वो फुल है। लौका कम्स फ्रॉम द हाउस विद अ ट्रे, ट्रे के साथ लौका है वो घर के अंदर से आती है। सी गोज़ टू द टेबल एंड बिगिन्स टू क्लियर इट, टेबल के पास जाती है और उसको साफ़ करने लग जाती है। विद हर बैक टर्न टू देम, और इसकी बैक है लौका की, वो रहना और सर्जियस की तरफ है। आई विल गेट माई हैट, मैं मेरी टोपी लेकर आती हूँ, एंड देन वी कैन गो आउट अंटिल लंच टाइम, और फिर बाहर चलते हैं लंच तक के लिए। वुड यू लाइक दैट, क्या तुम इसको पसंद करोगे बाहर चलना। सर्जियस, बी क्विक, इफ़ यू आर अवे 5 मिनट्स इट विल सीम 5 आवर्स। 5 मिनट के लिए भी तुम बाहर जाती हो दूर तो ऐसा लगता है कि जैसे 5 घंटे हो गए हैं, जल्दी करो। रैना रन्स टू द टॉप ऑफ द स्टेप एंड टर्न्स देयर टू एक्सचेंज लुक्स विद हिम एंड वेव हिम ए किस विद बोथ हैंड्स। रैना वहाँ से चली जाती है और सीढ़ियों की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, दोनों हाथों से वो किस ऑफर करती है। ही लुक्स आफ्टर हर विद इमोशन फॉर ए मोमेंट, इमोशन के साथ वो इसकी सर्जियस की तरफ एक क्षण के लिए देखती है। देन टर्न स्लोली अवे, फिर धीरे धीरे दूर चली जाती है। हिज फेस रेडियंट विद द लॉफ्टीएस्ट एग्जाल्टेशन, और सर्जियस का फेस है वो बड़ा चमकीला लग रहा है, जैसे वो अति प्रसन्न है। द मोमेंट शिफ्ट्स हिज फील्ड ऑफ विजन, और अब मोमेंट है वो फील्ड ऑफ विजन से इधर का आ गया है, घर का, कि युद्ध के दृश्य थे और अब यहाँ रहना दिखाई दे रही है। इन टू द कॉर्नर ऑफ विच देयर नाउ कम्स द टेल ऑफ लूकाज डबल एप्रॉन, अब किनारे पे लूका के डबल एप्रॉन की टेल दिखाई दे रही है। हिज अटेंशन इज अरेस्टेड एट वंस, सर्जियस का अटेंशन है अब वहाँ चला जाता है। ही टेक्स ए स्टिल दी लुक एट हर, चोरी चुपके वह उसको देखता है लौका को। एंड बिगिन्स टू ट्विल इज मस्टचे मिस्चिवसली, और अपनी जो मूछें होती है उनको घुमाने लग जाता है। विद इज लेफ्ट हैंड एकिम्बो ऑन हिज हिप, और उसका जो लेफ्ट हैंड है सर्जियस का वो उसके हिप पर है, खुद अपने खुद के हिप पर। फाइनली स्ट्राइकिंग द ग्राउंड विद हिज हील इन समथिंग ऑफ ए कैवलरी स्वेगर, अपनी हील को कैवलरी स्वेगर में, मतलब बहादुरी पूर्वक वो ऐसे थप वो करता है ग्राउंड पे, मारता है जोर से हील को। ही स्ट्रोल्स ओवर टू द अदर साइड ऑफ द टेबल ऑपोजिट हर एंड सेज, उसके सामने की तरफ वो चले जाता है, ऑपोजिट साइड ऑफ द टेबल, सामने की तरफ, जहाँ जिस तरफ टेबल के जिस तरफ लौका है उस तरफ नहीं, ऑपोजिट तरफ। लौका, डू यू नो व्हाट द हायर लव इज़, लौका क्या तुम्हें पता है कि हायर लव क्या होता है। लौका एस्टोनिस्ट, वो आश्चर्यचकित हो जाती है। नो सर, सर्जियस, वेरी फैटिगिंग थिंग टू कीप अप फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, बहुत थकाऊ चीज़ है
लेंथ ऑफ टाइम के साथ चलता रहता है, मतलब बहुत लंबा ये होता है और इसमें थकान ज़्यादा होती है। वन फील्स द नीड ऑफ सम रिलीफ आफ्टर इट, कि इससे निकल जाना ही, आदमी ऐसे महसूस करता है कि इससे निकल जाना ही बेहतर है। लोका इनोसेंटली मासूमियत से कहती है, परहैप्स यू वुड लाइक सम कॉफ़ी। वो इग्नोर करने की कोशिश करती है, इसके इंटेंशंस को वो भाप लेती है और जानबूझकर वो इग्नोर करने की कोशिश करती है। परहैप्स यू वुड लाइक सम कॉफ़ी सर, शायद आप कुछ कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे सर। सिस्टर्स इज हर हैंड अक्रॉस द टेबल ऑफ द कॉफ़ी पॉट, अपना हाथ है वो फैलाती है कॉफ़ी पॉट लेने के लिए। टेकिंग हर हैंड, और सर्जियस है वो उसका हाथ उधर पकड़ लेते हैं। थैंक यू लोका, और वो सोचते हैं कि लोका ने अपना हाथ मुझे दिया है। लोका प्रटेंडिंग टू पुल, ओ सर यू नो आई डिडंट मीन दैट, आई एम सरप्राइज्ड एट यू, मेरा मतलब आपको हाथ देने का नहीं था, मैं तो कॉफ़ी का जो पॉट है वो लेने के लिए हाथ बढ़ा रही थी। सर्जियस कमिंग क्लियर टू द टेबल एंड ड्रॉइंग हर विद हिम, आई एम सरप्राइज्ड एट माई सेल्फ, मुझे तो अपने आप पर ही आश्चर्य है। ये कहती है ना कि मुझे सर आप पर आश्चर्य हो रहा है कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो ये कहती है कि मुझे तो अपने, सर्जियस कहते हैं कि मुझे तो अपने आप पर ही आश्चर्य है। वाट वुड सर्जियस द हीरो ऑफ स्लिव निट्जा से इफ ही सा मी नाउ, यदि स्लिव निट्जा का जो हीरो था सर्जियस, वो अगर इस शिक्षण मुझे देख ले तो वो क्या कहेगा कि ये सर्जियस क्या कर रहा है। वाट वुड सर्जियस द एपोस्टल ऑफ द हायर लव, जो हायर लव के प्रतिमूर्ति है सर्जियस, वो अगर मुझे देख ले तो क्या कहेगा। What would the half dozen Sergius who keep me peeping in me in out this handsome figure of mine say if they caught a sear? मेरे जो अंदर हाफ डजन Sergius रहते हैं, अंदर बाहर वो होते रहते हैं, कभी मैं कैसा बन जाता हूँ कभी कैसा बन जाता हूँ, वो क्या कहेंगे इस शिक्षण अगर वो मुझे इस अवस्था में देख लें। Letting go her hand and slipping his arm dexterously round her waist, उसके हाथ को छोड़ देता है और अपनी जो आर्म है वो उसकी वेस्ट की चारों तरफ रखता है। डू यू कंसिडर माई फिगर हैंडसम लूका, क्या लूका तुमको मेरा फिगर हैंडसम लगता है। लूका लेट मी गो सर, सर मुझे जाने दो, आई सेल बी डिस्ग्रेस्ड, मुझे अपमानित फील हो रहा है। सी स्ट्रगल्स, वह स्ट्रगल करती है। ही होल्ड सर इनएक्सोरेबली, वो उसको इनएक्सोरेबली मतलब टाइटली, थोड़ा टाइट वो उसको पकड़ता है। ओ विल यू लेट गो, क्या तुम जाना पसंद करोगे इस, क्या मुझे जाने दोगे, वो पूछती है लौका है वो सर्जियस से पूछती है, क्या मुझे जाने दोगे। लौका सर्जियस नो, उसकी आंखों में देखते हुए कहता है नो। देन स्टैंड बैक वेयर वी कांट बी सीन, अब वहाँ पीछे चलो तो फिर वहाँ जहाँ हमें कोई नहीं देख सके। हैव यू नो कॉमन सेंस, क्या तुम्हें इतना सा भी कॉमन सेंस नहीं है। सर्जियस ओ दैट्स रीजनेबल, हाँ ये तार्किक प्रतीत होता है, तार्किक है ये। He takes her into the stable gateway where they are hidden from the house. Stable gateway, stable yard के जो gateway है उसकी तरफ वो उसको ले जाता है जहाँ वो मकान से अब देखे नहीं जा सकते हैं। लौका plaintively, I may have been seen from the windows. मुझे अब भी windows से देखा जा सकता है। Miss Rena is said to be spying about after you. Miss Rena है वो आपकी जासूसी कर रही होगी। Sergius sting letting her go. Take care, लौका. I may be worthless enough to betray the higher love, but do not you insult it. मैं हायर लव को बिट्रे कर सकता हूँ, धोखा दे सकता हूँ, लेकिन तुम इसकी इंसल्ट नहीं कर सकती लौका। वो रहना है वो मेरे पे स्पाई नहीं कर रही होगी। लौका डिमेरली मतलब अनविलिंगली, अनिच्छा से। नॉट फॉर द वर्ल्ड सर, आई एम श्योर, मे आई गो ऑन विद माई वर्क प्लीज़ नाउ, अब मुझे अपना काम पर जाना चाहिए सर। सर्जियस अगेन पुटिंग इज आर्म अराउंड हर, सर्जियस अपनी आर्म है वो उसके चारों तरफ रखते हैं। यू आर ए प्रोवोकिंग लिटिल विच, तुम एक चिढ़ाने वाली लिटिल विच हो, जादूगरनी हो लूका। इफ़ यू आर इन लव विद मी वुड यू स्पाइंग आउट ऑफ विंडोज़ ऑन मी, क्या खिड़कियों से मेरे ऊपर तुम नज़र रखना पसंद करोगी। लूका वेल यू सी सर, सिंस यू से यू आर हाफ ए डजन डिफरेंट जेंटलमैन ऑल एट वंस, आई शुड हैव ए ग्रेट डील टू लुक आफ्टर। आपने अभी कहा है कि मुझ में छः तरह के लोग बसते हैं, मैं अपने आप में ही छः हूँ, तो मैं आप पे स्पाई करना तो पसंद करूँगी। सर्जियस विटी एज वेल एज प्रिटी, चतुर जितनी सुंदर हो। ही ट्राइज टू किस हर, वह उसको किस करने की ट्राई करता है। लूका अवॉइडिंग हिम, लूका उसको अवॉइड करती है। नो आई डोंट वॉन्ट योर किसेज, जेंटल फोक्स और ऑल अलाइक, यू मेकिंग लव टू मी बिहाइंड मिस रेनाज बैक एंड सी इज डूइंग द सेम बिहाइंड योर्स। जेंटल फोक के सभी एक तरह के होते हैं, मैं आपकी किसेज को पसंद नहीं करती, आप ये मेरे पीछे करते हैं, रैना के पीछे पीठ पीछे आप ये कर रहे हैं और वो आपकी पीठ पीछे ये कर रही हैं। सर्जियस रिकॉइलिंग ए स्टेप, पीछे एक कदम लेते हैं।
टेकिंग बैक इश्यूज हाउ लिटिल यू रियली केयर, ये दिखाता है कि तुम कितनी कम परवाह करते हो. सर्जियस ड्रॉपिंग इज फेमिलियरिटी एंड स्पीकिंग विथ रीजनिंग पोलाइटनेस, पोलाइटनेस के साथ वो बोलता है, फेमिलियरिटी को छोड़ते हैं. इफ़ आवर कन्वर्सेशन इज टू कंटिन्यू लुका वी विल प्लीज बी रिमेंबर दैट ए जेंटलमैन डज नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द लेडी इज एंगेज्ड टू विद हर मेट. अगर कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखना है लोका, तो एक व्यक्ति है वो कभी भी अपने जो मंगेतर है उसके खिलाफ, उसके कंडक्ट के खिलाफ कुछ भी डिस्कस करना पसंद नहीं करता. लुका इज सो हार्ड टू नो वॉट ए जेंटलमैन कंसिडर्स राइट, ये हार्ड है कि एक जेंटलमैन है वो किसको सही समझता है. आई थॉट फ्रॉम योर ट्राइंग टू किस मी दैट यू हैड गिवन अप बींग सो पर्टिकुलर, आपने मुझे किस करने की कोशिश की है तो आपने मुझे पर्टिकुलर का दर्जा दिया है, विशेष का दर्जा दिया है. सर्जियस टर्निंग फ्रॉम अंडर स्ट्राइंगिंग इज फोरहेड एज ही कम्स बैक इन टू द गार्डन फ्रॉम द गेटवे, अपने फोरहेड को स्ट्राइक करते हुए वह गेटवे से गार्डन की तरफ आ जाता है. डेविल डेविल कहता है लोका, हा हा एक्सपेक्ट वन ऑफ द सिक्स ऑफ यू इज वेरी लाइक मी सर, आपके जो छः हैं आप में छः लोग बसते हैं उनमें से एक वो है वो पूरी तरह मेरे जैसा है सर. दो आई एम ओनली मिस रैनाज मेड, यद्यपि मैं मिस रैना की सिर्फ मेड हूँ. सी गोज बैक टू हर वर्क एट द टेबल टेकिंग नो फर्दर नोटिस ऑफ हिम, वह टेबल पर चली जाती है और अब उसकी तरफ सर्जियस की तरफ है वो नहीं देख रही है. सर्जियस स्पीकिंग टू हिमसेल्फ, सर्जियस है वो अपने आप से बोल रहा है. विच ऑफ द सिक्स इज द रियल मैन, छः में से कौन सा है वो सही है. दस द क्वेश्चन दैट टॉर्मेंट्स मी, जो प्रश्न है वो मुझे परेशान करता है वो यही है कि जो छः मेरे में अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स रिफ्लेक्ट होते हैं उनमें से वास्तविक कैरेक्टर कौन सा है. वन ऑफ देम इज़ ए हीरो, उनमें से एक हीरो है. अनोदर ए बैफून, दूसरा है वो एक क्लाउन है. बैफून क्लाउन जो जादूगर होता है उसको कहते हैं. अनोदर ए हम्बग, दूसरा है वो एक चीटर का है. हम्बग चीटर होता है. अनोदर परहैप्स ए बिट ऑफ ब्लैकगार्ड, और उनमें से एक ब्लैकगार्ड है, रफ ब्लैकगार्ड रफ. ही पॉजेज एंड लुक्स फर्टिवली एट लुका एज ही एड्स विद डीप बिटरनेस एंड वन एट लीस्ट इज ए कोवर्ड, और उनमें से एक है एक कोवर्ड है. जीलस लाइक ऑल कोवर्ड्स, जो सभी कोवर्ड्स की तरह जीलस है. कोवर्ड्स मीन डरपोक, जो सभी डरपोकों की भांति जीलस है, ईर्ष्यालु है लुका. लुका यस, हु इज़ माई राइवल, मेरा प्रतिद्वंदी कौन है. यू सेल Never get that out of me for love or money. तुम मेरे से ये कभी नहीं उगला पाओगे, मैं मतलब तुम्हें पैसे या प्यार के खातिर मैं ये कभी नहीं बताऊंगी कि वो व्यक्ति कौन है जो आपका राइवल है. राइवल मतलब प्रतिद्वंदी, यहाँ पे ये कैप्टन ब्लंसली के लिए कह रही है जो उस रात को वहाँ पे रुके थे. रैना के कमरे में चोरी छुपके एक स्विस ऑफिसर स्विस सोल्जर है वो घुस जाते हैं. उसके बारे में लौका है वो सर्जियस को बताना चाह रही है, लेकिन वो कह रही है कि प्रेम और पैसों के खातिर मैं तुम्हें बताना नहीं चाहूँगी कि आपका प्रतिद्वंदी है वो कौन है. सर्जियस कहता है क्यों नहीं बता रही हो. और आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही. आई होप ये पेजेस आपको पसंद आए होंगे. थैंक यू वेरी मच.